वेलकम टू टूडेज वीडियो। और आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में। तो इसमें हम फिजिक्स की कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे। स्ट्रेटजीज में नहीं, मतलब एक बेसिक थिंग्स शेयर करूंगा मैं, जो पता सबको होती है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। मतलब जो फॉलो करेगा उसका अच्छा स्कोर आ जाता है। तो देखो क्या था, जैसे आपको पता है कि मेरा फर्स्ट ड्रॉप में 56 स्कोर था फिजिक्स में, बाकी सब में ठीक था, फिजिक्स में 56 था। और पढ़ा काफ़ी था तब भी 56 रहा हूँ। तो अब कैसे होके वो थर्ड ड्रॉप में 130 बना, ये आपको मैं बताऊंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, आप लोगों ने कोचिंग ज्वाइन करी हुई होगी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, है ना। कोई से कोचिंग ज्वाइन करोगा तो आप लोगों को वहाँ नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले उन नोट्स को प्रैक्टिस करना अच्छे से। जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं उन नोट्स को एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ लो। उसमें क्या होता है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो दो जो हमारे टीचर थे फिजिक्स के, मतलब कोचिंग में, उन्होंने बताया था हमें कि देखो मैं क्वेश्चन ही वो कराता हूँ कि जो तुमसे सोल्व नहीं होंगे। मतलब डायरेक्टली जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फॉर्मूला पढ़ा, अब तुम सीधा PYQ करोगे तो तुम सोल्व कर लोगे फॉर्मूला बेस वाले। पर कुछ क्वेश्चन में जैसे तुम अटकोगे, तो हमारे सर वही क्वेश्चन कराते थे जो जिसमें हम अटकने वाले हैं, जिसमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, वो हमें नोट्स में पढ़ा देते थे। तो आप अगर नोट्स भी 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और दूसरा, जो क्वेश्चन में फंसने वाले होंगे वो क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, तो फिर उसके बाद PYQ करोगे तो आपको थोड़ा अच्छा अच्छे से समझ आएगा। और दूसरा चीज़ क्या होता है, देखो अगर सपोज आप कोई कोचिंग ज्वाइन करा हुआ है, वहाँ का मॉड्यूल आपके पास है, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। एक सेक्शन ये बना देंगे, एक सेक्शन भी बना देंगे, और एक ऐसे मिला एक सेक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी बनाते हैं। तो आपको किस बेस पे करना चाहिए, एटलीस्ट देखो पहले 2-3 बार नोट्स पढ़ो, नोट्स में पकड़ा जानी चाहिए, तब क्वेश्चन सोल्व करना। क्योंकि सबसे पहले तो आपके जो नोट्स में क्वेश्चन कराए गए वही तो बनने चाहिए ना, और वो ना बनेंगे तो फिर क्या फ़ायदा एडिशनल क्वेश्चन करने का। तो सबसे पहले नोट्स में पकड़ बनाओ। हाँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो देखो जब आपके पास अगर टाइम नहीं लग रहा है तो सबसे पहले सेक्शन शुरुआत करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो एटलीस्ट 2005 या 2010 तक के तो कर ही लो, ठीक है। जब वहाँ तक के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद अब अलग सेक्शन में जाओ क्वेश्चन के, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो। नहीं तो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लो और सीधा 2010 या 2005 तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही था कि नोट्स में अच्छे से फोकस करना है। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो ये है कि हमें फिजिक्स डेली पढ़नी है, ठीक है। मतलब फिजिक्स को कल पे नहीं टालना, डेली। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप डेली ही पढ़ो, मतलब आप लग रहा है कि दो आपने आज बायो केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिजिक्स कल पढ़ लो, चल सकता है। मतलब अल्टरनेट में पढ़ो पर पढ़ना कंसिस्टेंटली है। तो क्या होता है, वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट को कल पे नहीं टालते, पर फिजिक्स को तो खासकर नहीं टालना। और आप कैसे पढ़ें चैप्टर्स, देखो जैसे कुछ बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी होगी, कुछ बच्चे ऐसे भी करते होंगे कि आप पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा फिर उसके क्वेश्चन सोल्व कर लिए, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन सोल्व। ऐसे ना करके मेरे हिसाब से आप एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ो, एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ो फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करो। मतलब कंप्लीट चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया, नोट्स अच्छे से आ गए आपको, उसके बाद आपको PYQ में जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो करने हैं, और फिर आपका मन है तो और एडिशनल क्वेश्चन अच्छे अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लो। तो ऐसे ही चैप्टर वाइज करते जाना है। अब देखो क्या होता है, जो शुरू के दिन होते हैं ना, कुछ मतलब शुरू के कुछ महीने होते हैं वह सीखने की फेज़ होती है। जो फिर बीच के 2-3 महीने आते हैं उसमें कॉन्फिडेंट बिल्डअप फेज होती है। अब जो लास्ट के 1-2 महीने फेज होती है ना, उसमें जो आपने सीख लिया, आप नया नहीं सीख सकते लास्ट के 2 महीने में, जो आपने सीख लिया उसी में अच्छी पकड़ बनानी होती है, ठीक। तो कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं, मतलब कुछ बच्चे नहीं, मतलब काफ़ी लोग हैं यूट्यूब पे, एंड पे आते आते लास्ट के महीने में बोलेंगे कि बस इसको कर लो, इन चैप्टर्स को कर लो, ऐसा कर लो 100+ मार्क्स आ जाएंगे, इनको कर लो 120+ मार्क्स आएंगे। देखो भाई ऐसा है, अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ रखा ना फिजिक्स, तो लास्ट के 2 महीने में या 1 महीने में कुछ भी पढ़ लो 100+ नहीं आ सकते। मैंने तो पूरे साल पढ़ी थी फिजिक्स, बस एग्जीक्यूटिव सही से नहीं करती थी, पढ़ने के बाद मेरे 56 आए। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लास्ट के महीने में कुछ भी चैप्टर्स देख के या ट्रिक्स देख के 50 मार्क्स 100+ आ जाएं, नहीं आएंगे। तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा, ये मत सोचना कभी भी आपको यूट्यूब में वीडियोज़ मिलेंगे एंड में कि ऐसे पढ़ लो 100+ आ जाएगा, 120+ आ जाएगा इन चैप्टर्स को पढ़ के, ऐसा नहीं होता। तो कंसिस्टेंटली चैप्टर करने, कल पे नहीं छोड़ने। जब आप सारे चैप्टर्स कर लोगे तो जब आपके कॉन्फिडेंट बिल्डअप फेज आएगी, उनमें मॉक टेस्ट होंगे, और मॉक टेस्ट को जरूर देना है, ठीक है। मैंने क्या गलती करी थी, जब मेरे 56 मार्क्स रहने का रीज़न यही था, मैंने नोट्स पढ़े अच्छे से, मतलब नोट्स पढ़े पर मॉक टेस्ट नहीं दिया एक भी। अब जब मैंने मॉक टेस्ट ही नहीं दिया ना, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन भी बहुत कम प्रैक्टिस करे मैंने प्रीवियस ईयर को फर्स्ट ड्रॉप में, तो बहुत कम प्रैक्टिस करे। जब क्वेश्चन ही कम प्रैक्टिस कर रखे हैं मैंने, तो मैं सिर्फ नोट्स को देख रहा था। अब मुझे ये भी नहीं पता चला कि मेरे नोट्स में कमांड है नहीं, क्योंकि मैंने नोट्स के बाद अप्लाई नहीं करा हुआ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करने, डेली मतलब जैसे ही आपका टाइम लगे उन्हें प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको पता लगता रहे कि आप क्या सीख रहे हैं। तो ऐसे हो गया। और एंड में आते आते तो आपको देखो, जब लास्ट का 1 या 1.5 महीना बच जाएगा, सिर्फ 1 महीना मान के चलो, तो 1 महीने में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, सिंपल नोट्स रिवाइज करने फिजिक्स के, ताकि नोट्स का कुछ पॉइंट ना छूट जाए। और दूसरा,
क्या बोलते हैं, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप पहले कर चुके हो, बस नोट्स की पकड़ बनानी जो कॉन्सेप्ट उसमें है ना, और बाकी मॉक टेस्ट चलते रहेंगे, उन्हें पढ़ते रहो। और देखो फिजिक्स की एनसीईआरटी तो पढ़ने की जरूरत नहीं होती, मेरे हिसाब से नहीं है ज़रूरत, पर अगर आप फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हो तो ये उन बच्चों के लिए है जिनकी कमांड फिजिक्स में बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत अच्छी कमांड हो चुकी है, और जैसे लास्ट के 2 महीने जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं उनमें वो 150 प्लस कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं, अगर वो पढ़ना चाहें एनसीईआरटी तो वो पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंपल्सन तब भी नहीं है, बाकी तो आप एनसीईआरटी के लिए ना जाए। ठीक, और थर्ड और आखिरी पॉइंट है अपना जो मेरे हिसाब से है, वो ये है कि हमें कभी ये नहीं सोचना कि मैं फिजिक्स में कम मार्क्स ले आऊँगा और बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स ले आऊँगा और उसे कंपनसेट कर दूंगा, तो ऐसा कभी कंपनसेट हो ही नहीं पाता। और जैसे कि आप जनरली देख रहे हैं आजकल तो कट ऑफ बिल्कुल 600 ही जा रही है, 599, 600, तो तीनों सब्जेक्ट को बराबर लेके चलेंगे तभी वो होगा। ठीक है, आप 1% ऐसा कर सकते हो कि आपके फिजिक्स में 120 तक की कमांड बना ली, 110, 130, बल्कि ज़्यादा ही बना लो, फिर आप बोलो कि मैं बायोकेमिस्ट्री में और अच्छा कर लूँ, पर ये मत रखना कभी 90 से 100 के बीच में लाऊंगा फिजिक्स में और बायोकेमिस्ट्री में खींच दूंगा, ऐसा नहीं होता है, तीनों को ही बराबर चलोगे तब जाके आपका एंड में होगा। ठीक, तो हमने क्या चीज़ें पढ़ी, देखो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े बेसिकली, जो 3 पॉइंट्स पढ़े क्या मतलब 3 पॉइंट्स बताए मैंने, वो ये था, पहला पॉइंट है आप नोट्स पे फोकस करना है, कि आपने अगर कोचिंग ज्वाइन कर रखी है ऑनलाइन या ऑफलाइन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जो टीचरों ने नोट्स बनवाए हैं उन नोट्स को तो 2-3 बार रिवाइज कर ही दो पर चैप्टर, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। और हाँ, कुछ बच्चे ये करते हैं वो ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, नोट्स का PDF डाउनलोड कर देते हैं, देखो ऐसा नहीं करना, आपको कभी समझ नहीं आएगा, वो आपको नोट्स अपने ही हाथ से बनाने, भले बना तो टीचर बना बनवा तो टीचर ही रहे, पर नोट आपको अपने हाथ से करने, ये तो आपने सुना होगा कि नोट्स अपने ही हाथ के होते हैं। ठीक है, अगर आप सीधा PDF डाउनलोड कर दोगे तो आपको एट द एंड दिक्कत आएगी, शुरू में नहीं पता चलेगा, जब एंड के 2-3 महीने रहेंगे तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे और दिक्कत होगी, तो नोट्स अपने हाथ के बनाने हैं और उनको 2-3 बार पढ़ना है। ठीक है, और सेकेंड पैटर्न वही है कि नोट्स पढ़ो और PYQ लगाते रहो, कंसिस्टेंटली लगाओ, फिजिक्स को डेली पढ़ते रहो, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते रहो, थोड़े थोड़े भी करते रहोगे चलेगा, पर डेली करने, डेली या मतलब इंटरनेट जब भी हिसाब लगे करते रहो, एंड के लिए कुछ नहीं छोड़ना, ये एक आध महीने में, एक आध महीने पढ़ने से आपके 100+ नहीं आएंगे, ये तो एश्योर्ड है। ठीक है, वो थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं सोचना कि मैं फिजिक्स छोड़ दूंगा बाकी मैं बराबर कर दूंगा, बराबर नहीं होगा, बस ये 3 रूल फॉलो कर लेने हैं आपको, नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और बाकी डेली करने, बस यही चीज़ है, आपको इन्हीं चीज़ को अच्छे से अप्लाई करोगे तो आपके मार्क्स पक्का श्योरली इंप्रूव होंगे। और आप बोलोगे मैंने इसमें अपने मार्क्स के बारे में खास बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया, देखो मेरा फर्स्ट ग्रुप में 56 स्कोर था, उसका रीज़न यही था मैंने नोट्स पढ़े, वो भी कुछ गड़बड़ कर दी मैंने फर्स्ट ग्रुप में, मतलब पढ़े थे पर अप्लाई नहीं करे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे। ठीक है, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे तो मुझे ये भी नहीं पता चला कि मैं नोट समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा हूँ, ये होगी गलती, तो इस वजह और सेम अब देखो पढ़ा मैं, अब की बार भी मैंने वैसे ही पढ़ा पर अप्लाई करा, एग्जीक्यूट करा, उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, नोट्स दिए, मॉक टेस्ट दिए और स्कोर अच्छा आया। तो आप लोग भी ऐसे ही फॉलो करो, आपका स्कोर सब बढ़िया रहेगा, तो ऑल द बेस्ट फॉर NEET 2023। और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, और कुछ कमेंट्स में डाउट हो तो वो पूछ लेना, मतलब।